हाँ, और आपका नाम क्या हुआ, थोड़ा बताइए क्या घटना हुआ आपके साथ। मोहम्मद जावेद नसीम जी, मेरा मोहल्ला गोंदापुर हुआ। मैं उसी रास्ता से आता था और जाता था, आज भी उसी रास्ता से आया। मैं खाना खा के जा रहा था, अचानक 10 ऐसा कोई पुरानी दुश्मनी थी आपकी? कोई दुश्मनी नहीं था सर, कोई दुश्मनी नहीं था। अचानक 10 लड़का मेरे गाड़ी के सामने आया और गाड़ी पे मेरे को उतरने नहीं दिया। हम चढ़े हुए रहे और मेरे से पूछा, दबोच डाला ना आपको, गाड़ी पे दबोच किया हुआ? जी, गाड़ी पर दबोचे हुआ था और गाड़ी पर से ही पूछा कि तू मियाँ जी है रे, तो हम झूठ बोल दिया डर से कि मियाँ जी नहीं है। लेकिन फिर भी उधर से 2-3 लड़का बोला कि ये मियाँ जी है, मार मार। बस इतना है सर कि हम इतना मारा कि हम कुछ समय तक हम अपना हिम्मत बांध के मैं उसे जान छुड़ा के मैं वहाँ पर आदमी लोग थे और आदमी लोग वहाँ पर था, फिर भी नहीं कोई जान बचाया है। और मैं छुड़ाने की कोशिश नहीं किया, कोई छुड़ाने का कोशिश नहीं किया है। और इतना हमको मारा है कि 3-4 जगह सर फट गया है पूरा, और गाड़ी का भी तोड़ दिया है। दूसरी बात कि मेरा मोबाइल था वो भी छीन लिया है। और कुछ भी नहीं था सर, और कुछ ऐसा जाति दुश्मनी भी नहीं, और मोहल्ला में सब हमको जानता है, लेकिन फिर भी हमको मारा है मियाँ जी का। रास्ता साहब कितना दिन से आना जाना कर रहे हैं? उस रास्ते से हम करीब 3-4 साल से हम, जब से पानी भरा है, पानी भरा है मोहल्ला गोंदापुर में, पानी भरा है। जब से रोड पे पानी भरा है तब से ही रोड से आना जाना, मेन रास्ता वो हो गया ना, काम में जाना। 4 साल से हम लोग आने जाने, 4 साल से आना जाना कर रहे हैं। और कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं। हम खाना खा के जा रहे थे, जस्ट ये 3 बजे में 5-10 मिनट बाकी था, तभी मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। और आप लोग जितना